Yes, students, it has been a long journey in the understanding of the nature of roots of the second order differential equation. So it is optimum to summarize all of the cases. Here in this video, we will summarize all the cases that we have done in the complementary function of the second order differential equation. The roots, they were equal to this. And this was the part that determined the fate of the roots, that is the discriminant, जो के a1 square minus 4a2 के बराबर था, और इसको use करते हुए हमने इस table को develop किया है, जिसमें possible cases of complementary solution दिए हुए हैं. सबसे पहले हमने तीनों की conditions को लिखा है, फिर हमने remarks note किए हैं कि उसमें क्या चीज कैसी है, फिर roots और formula की बात की है. के उसके roots का formula क्या होगा and other features are there in the next slide. पहले हम इनकी बात कर लेते हैं. Condition जो थी distinct real root case की वो ये थी कि discriminant positive होता है. इसका मतलब पहली term दूसरी से बड़ी. और अगर real roots की बात की जाए तो उसमें discriminant zero होता है. पहले ही एक term दूसरी के बराबर होती है. और complex roots में जो डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव होता है, पहली टर्म दूसरी से छोटी होती है. तो जब पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेंट होगा तो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, और डिस्टिंक्ट हम उन्हें इसलिए कहते हैं बिकॉज प्लस माइनस की वजह से, जो कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेंट के साथ जमा किया और नफ़ी किया जाता है, उससे दो रूट्स बनते हैं जो डेफिनेटली एक जैसे नहीं होते. ज़ीरो डिस्क्रिमिनेंट होने की वजह से रिपीटेड या इक्वल रियल रूट्स बनते हैं. उन्हें रिपीटेड और रियल इसलिए कहते हैं कि जमा नफी करने से ज़ीरो को फ़र्क नहीं पड़ेगा और एक ही वैल्यू दो दफ़ा आएगी, R1 और R2, जिन्हें हम एक दफ़ा R भी कह सकते हैं. नेगेटिव डिस्क्रिमिनेंट होने की वजह से कम्प्लेक्स रूट्स बनेंगे, और वो इस वजह से है कि प्लस माइनस हो रही है एक ऐसी वैल्यू जो कि नेगेटिव है और इन साइड अ स्क्वेयर रूट है, जिसकी वजह से देयर विल बी इमेजिनरी नंबर्स और फाइनली द रूट्स विल बी देयर जो कि इक्वल नहीं होंगे और उनके अंदर एओटा शामिल होगा. जो फॉर्मूला है वो इस केस में डिस्टिंक्ट रियल रूट केस में ये होता है, ये भी हमने सॉल्व किया हुआ है. रियल रिपीटेड रूल में रूट्स में ये फॉर्मूला होता है, प्लस माइनस के बाद की टर्म ज़ीरो हो जाती है. और जो कम्प्लेक्स रूट्स हैं जिन्हें हम कॉन्जुगेट रूट्स की फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, और जहाँ पर एच की वैल्यू ये होती है और उप्सिलोन की वैल्यू ये होती है, वहाँ पर रूट्स इन दो फॉर्मूले के ज़रिए से निकाले जाते हैं. फर्दर कंडीशन तो हमने वही लिखी हुई है क्योंकि हम लास्ट टेबल से इसे कनेक्ट कर रहे हैं. वेरिफिकेशन की अगर हम बात करें तो कंडीशन ये होती है कि दोनों रूट्स का जो सम है वो माइनस a1 के बराबर हो, दोनों रूट्स का प्रोडक्ट a2 के बराबर हो, दोनों रूट्स का सम a1 के नेगेटिव साइन के बराबर हो. यहाँ पर भी नेगेटिव साइन है, यहाँ पर भी, इनडेफिनेटली यहाँ पर भी. तो जो कंडीशन हमने पहले केस में देखी थी वो बाकी दो केसेस में भी होल्ड करेगी. ये है रूट्स की वेरीफाई करने का तरीका कार. उसके बाद YC का फॉर्मूला जो है वो ये होता है डिस्टिंक्ट रियल रूट केस में, जहाँ पे आप देख रहे हैं दो पार्ट्स हैं R1 और R2 के लिए. यहाँ पर जो है दो रूट्स एक जैसे हैं, लेकिन ये T एडिशनल है जो कि डिसीव कर सकता है, हम इसे भूल सकते हैं, बट वी शुड नॉट फॉरगेट दैट. और उसके बाद कम्प्लीमेंट्री फंक्शन के जो फॉर्मूलेज हैं कम्प्लेक्स रूट्स के केस में वो एक से ज़्यादा हैं. एक तरीका कार ये है, और दूसरा तरीका कार ये हो सकता है जिसमें हमने कॉमन ले लिया है, और तीसरा ये हो सकता है कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फॉर्म में लिखें. और ये हमने इस्तेमाल किया था क्योंकि कॉज और साइन ज़ीरो और वन के साथ मुख्तसर वैल्यूज़ देकर हमारे सोल्यूशन को सिम्प्लीफाई कर. अब डायनामिक स्टेबिलिटी की बात है, यहाँ पर सिर्फ उनका इंट्रोडक्शन है, लेकिन हम आने वाली वीडियोस में उनको समझेंगे भी. यहाँ पर हम इंदा समझ सकते हैं कि दोनों रूट्स का नेगेटिव होना डिस्टिंक्ट रियल रूट के लिए, और रूट का नेगेटिव होना इक्वल रियल रूट्स के लिए ज़रूरी है ताकि डायनामिक स्टेबिलिटी हो. और अगर डायनामिक स्टेबिलिटी हम चाहते हैं कम्प्लेक्स रूट के केस में, तो वहाँ पर एच का नेगेटिव होना ज़रूरी. तो ये थे वो तीन केसेस की एक एपिटोमी जिसे हमने देखा, और नाउ वी आर एबल टू रिकॉल ऑल ऑफ दोज थिंग्स. अब ये है हमारे पास उनके ग्राफिकल डिपिक्शन
डिस्टिंक्ट रियल रूट केस वो होते हैं जिसके अंदर जो कर्व आ रही है, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो कि इस फॉर्म में थी वहाँ पर, जो कि एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है जिसकी वजह से एक पैराबोला आप देख रहे हैं डेवलप हुआ है इधर, वो पैराबोला दो पॉइंट्स पे काट रहा है एक्स एक्सिस को, जिसकी वजह से दो रूट्स हैं और इसकी जो वैल्यू है वो इसकी वैल्यू के बराबर नहीं है, डेफिनेटली एक की वैल्यू कम है और दूसरे की वैल्यू ज़्यादा। फिर टू इक्वल रियल रूट्स हैं और टू इक्वल रियल रूट्स के अंदर ये जो आपको पॉइंट नज़र आ रहा है ये एक ही पॉइंट है, इसका मतलब है कि रियल एक ही रूट है, रिपीटेड कह लें, डबल कह लें या इक्वल कह लें, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इस केस में पॉइंट ऑफ मीट है, दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग, इस केस में इंटरसेक्शन था, यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी कह सकते हैं। यहाँ पर टू डिस्टिंक्ट कम्प्लेक्स रूट्स हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किसी भी जगह पर इंटरसेक्शन नहीं है क्योंकि ये रियल एक्सिस है और रियल एक्सिस पर इसका इंटरसेक्ट करना विल मेक दिस अ रियल केस, लेकिन ये रियल नहीं बल्कि इमेजिनरी नंबर्स पे बेस करता है, इसलिए देयर इज़ नो इंटरसेक्शन। सो देयर हेयर व्हाट वी हैव डन इज़ वी हैव समराइज्ड ऑल ऑफ दीज माइनर डिटेल्स ऑफ ऑल द थ्री केसेस सो दैट वी कुड कंपेयर देम एंड रिमेंबर एंड रिकॉल दैट करेक्ट फार्मूला व्हेन एवर वी आर टू सॉल्व अ सर्टन सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। थैंक यू।